आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करने जा रहे हैं वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग, और हमारे साथ विघ्नेश्वर साहू जी हैं। साहू जी, मैंने आपको रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दी है, आप सेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो साहू जी, हम बात करेंगे लूप के अंदर। अब सर, जानते हैं कि हमें लूप की ज़रूरत क्या है, वीवी प्रोग्रामिंग में लूप का क्यों ज़रूरी है। तो एक सिंपल सा मैं प्रोग्राम बनाता हूँ, देन बताऊँगा कि लूप एंड विदाउट लूप में क्या डिफरेंस है। ये आपको सिंपल सा एक स्टिकर दिख रहा है, मुझे इस स्टिकर को कॉपी करके अपने हिसाब से 10 या 20 या 25 बार एक के नीचे कॉपी पेस्ट करने हैं। सिंपल सा वर्क है, एक कॉपी करना है और एक के नीचे 10 या 15 या 20 बार हमें पेस्ट करना है। ये स्टिकर एक तरह से लेवल है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जाएंगे विजुअल बेसिक में, इंसर्ट करेंगे हम मॉड्यूल, और यहाँ पे हम देते हैं सब्जेक्ट, यहाँ पे आ रहा या कुछ भी से नाम दे दीजिए, जैसे लूप अंडरस्कोर 1 हम कर देते हैं। अब यहाँ पे हम देते हैं रेंज A1 से लेके C7 डॉट कॉपी। ओके, A1 से C7 डॉट कॉपी, और मुझे इसके नीचे एक कॉलम छोड़ के, एक रो छोड़ के पेस्ट करना है। तो यहां देंगे हम रेंज A65000 डॉट एंड, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं ताकि सबसे लास्ट में पहुंच जाए, ऑफसेट की मदद से दो रो नीचे आ जाते हैं, और यहां हम करते हैं पेस्ट स्पेशल। मान लीजिए अब इसको रन, अगर मान लीजिए इसको रन करते हैं, यहाँ से भी रन कर सकते हैं, तो क्या होता है, एक बार कॉपी पेस्ट करेगा, क्योंकि कोड एक बार है तो एक बार पेस्ट करेगा, मुझे 5 बार करना है, 5, तो 5 टाइम के लिए मुझे क्या करना होगा कि इस लाइन को 5 बार रिपीट करना होगा। हम इसी लाइन को 5 बार रिपीट क्यों कर रहे हैं, हम कॉपी क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ कॉपी एक बार होता है लेकिन पेस्ट हम कई बार कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ इसको कॉपी करके हम कई जगह पर पेस्ट कर सकते हैं ना, क्या सर? हाँ सर, तो एक ही बार करते हैं लेकिन पेस्ट आप कई जगह पे कर सकते हैं। हाँ सर, इसलिए कॉपी को हमें रिपीट नहीं करना है, हमें रिपीट करना है पेस्ट को। तो एक लूप का सबसे बड़ा, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ये देखना कि हमें रिपीट किसको करना है, किस कोड को करना है, राइट? हाँ सर, पे करना है। तो हमने 5 टाइम कर दिया, 5 बार यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे दो चीजें हैं कि सिंगल लाइन है और आपको 5 बार फिक्स इसलिए कर दिए, लेकिन 50 बार करना हो, 500 बार करना हो, 5000 बार करना हो, तो उस केस में ये मेथड तो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसको 5000 बार कॉपी पेस्ट करेंगे तो आप कोड करेंगे कॉपी, उससे अच्छा है कि मैनुअली कॉपी कर ले। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लूप का यूज करेंगे। तो यहाँ हम देंगे 4i=1 to 5 और फिर नेक्स्ट। अब इस चीज को समझिए कि क्या है नेक्स्ट टाइम। तो आपका 4 से स्टार्ट होता है, लूप कई तरह के होते हैं, फिलहाल 4 बता रहा हूँ, लूप के टाइम ही बताऊंगा। तो i के जगह पे कोई भी ABCDXYZ ले सकते हैं, क्या है, एक वेरिएबल है। अच्छा, जैसे मैथमेटिक्स में हम लेते हैं ना XYZ ABCD, तो ये वेरिएबल है, डेटा टाइप है। तो ये क्या करता है, एक काउंट रखता है कि 4 कितना बार लूप चला चुका है, ठीक है, और फिर चलता है। और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ये आपका लूप 4 से स्टार्ट हुआ तो एंड आपका नेक्स्ट हो, जैसे कि यहाँ पे सब स्टार्ट हुआ ना सर, तो एंड आपको जो भी प्रोग्रामिंग लिख ली है सब और एंड सब के बीच में लिखना है, उसी तरह से जो रिपीट करने वाली लाइन है वो 4 और नेक्स्ट के बीच में होता है। तो ये कैसे परफॉर्म करता है, इसको हम करते हैं स्टेप इन्फो, ठीक है, यहाँ एफर्ट होता है, इसको स्टेप इन्फो कहा जाता है, स्टेप इन्फो। देखिए, सबसे पहले इसने डेटा को कॉपी किया, अब एक बार मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप यहाँ इफेक्ट भी देखते रहे। एफर्ट किया, अब यहाँ पे देखिए पेस्ट करता, कॉपी कर लिया इसने। अब कॉपी करने के बाद देखिए आई क्या है, i=1 है, क्योंकि पहला बार चल रहा है, इसने पेस्ट किया। अब नेक्स्ट जो है वो चेक करेगा कि आई कितना बार चल चुका है, तो चेक है, लेकिन इसको चलना कितना बार है, 5 टाइम,
ठीक है, ओके एक्स वापस भेजेगा फोर को, वापस गया, अब आई ने अपने आप को इंक्रीज कर दिया दूसरा, क्योंकि दूसरा वाला चल रहा है, फिर चला, फिर यहाँ आपका नेक्स्ट देखा टू है, फाइव टू से लेस है, फिर वापस भेजा, फिर यहाँ देखिए क्या हुआ, आई क्या हो गया, आई थ्री हो गया, हो गया आई थ्री, हाँ सर, फिर नेक्स्ट ने चेक किया आई थ्री है, फाइव से कम है, वापस भेजा, अब हो गया फोर, फिर चेक किया फोर है तो वापस भेजा, फाइव चल गया वापस, अब देखिए यहाँ पे आई सिक्स हो गया तो ये वापस लूप को खत्म करके बाहर निकल गया, क्लियर है? हाँ सर। डाउट इसमें? नहीं सर। चलिए अब कुछ इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मेरे पास कई सारे शीट्स है ना, हाँ सर, पांच शीट है, मैं पांचों शीट का नाम रिनेम करना चाहता हूँ, तो यहाँ एक मैक्रो बनाते हैं, सब्जेक्ट और स्क्रीन दिख रहा है आप, जूम कर दूं मैं, सॉरी सर, इस आपको कोटिंग दिख रही है, जूम कर दूं? हाँ दिख रहा है सर, ठीक है, चलिए हमने यहाँ पे टू किया फिर ओपन क्लोज, और यहाँ हमने हमें क्या करना है, शीट को रिनेम करना है, तो शीट्स शीट्स में हमने यहाँ पे दे दिया वन डॉट नेम इक्वल टू, हमने दिया डेटा वन, ठीक है, ओके, वन ए सीट वन क्या हुआ, पहले पोजीशन, क्योंकि सीट का नाम पता नहीं है, बहुत सारे सीट्स है, सारे सीट्स का नाम पता करना मुश्किल है, अब मुझे दूसरे सीट का चाहिए तो मैं यहाँ पे यहाँ यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया और इसको टू कर दिया और यहाँ डेटा टू हो गया, ऐसे तीसरे सीट के लिए थ्री फोर फाइव, बट डायनेमिक तो नहीं है, इसको डायनेमिक करने के लिए हम लूप का इस्तेमाल करेंगे, हम यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला फोर का कि फोर आई इक्वल टू वन टू चले फाइव, पांच सीट है इसलिए फाइव दिया, और यहां पे नेक्स्ट आई, और जहां वन है वहां आई ले लेंगे, क्योंकि आई एक वेरिएबल है, आपने देखा वन बाय वन नंबर इंक्रीज करता है, इसलिए इसको वन बाय वन कर देगा, ठीक है, तो आई को ऐसे आप अपने कोड में यूज भी कर सकते हैं सिक्वेंस के लिए, अच्छा डेटा एंड आई मर्ज करके, हाँ कंबाइन कर दिया, अब देखिए क्या होगा कि जब एफ एफ प्रेस किया अब आई इक्वल टू वन हो गया, ये यहाँ सीट को क्या मिला, सीट को वन मिला, तो पहले सीट में गया और उसका डेटा और वन मिलके क्या हो गया, डेटा वन कर दिया, हो गया डेटा वन, वापस आए, अब यहाँ देखिए सीट आई टू हो गया, यहाँ मिला टू और डेटा के साथ टू को कंबाइन किया तो हो गया डेटा टू, फिर ऐसे ही आपका थ्री हो गया, यहाँ पे थ्री मिला और डेटा के साथ मिल गया थ्री, हो गया डेटा थ्री फोर फाइव सिक्स, ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता होगा कि सर मेरा डायनेमिक तो नहीं हुआ, क्योंकि कल के डेट में पांच के जगह पे पंद्रह सीट्स होंगे और कोई आइडिया नहीं है कितने सीट हो सकते हैं, तो इस समय हम इसको कैसे करें, तो इसको भी डायनेमिक किया जा सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया सीट्स डॉट काउंट, कि रन करते समय जितने सीट्स होंगे उसकी काउंट को करो, हेलो आपका आवाज नहीं आ रहा है सर, आ रही है सर, हेलो आवाज नहीं आ रहा, हाँ अभी आ रहा है, तो हमने यहाँ पे जो है सीट्स डॉट काउंट हमने कर दिया यहाँ पे, राइट, इससे क्या हुआ कि अब जितने भी शीट्स होंगे सारे शीट्स पे अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा, ओके सर, हाँ सर समझे, हाँ सर,